इंदर, ये ऐसे रोज रोज बियर और भांग पीने से लोग मर जाते हैं। This movie is about a South Indian family where माँ, बाप, बहन, जीजा, पति, क्रश सब South Indian actors हैं। But main heroine गोरी चिट्टी हो। मीत सरस्वती की family जिनके जीने का एक ही मकसद है। संजय ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। विभूति आंटी से किसी को शादी नहीं करनी और इसको देख के जब कोई अच्छा लड़का कहेगा कि मैरी मी सर तो आई विल से यस प्लीज, उसे मुझसे शादी नहीं करनी। क्योंकि अब उसकी उम्र 20 साल से भी ऊपर हो चुकी है, 21। और उसकी शादी का मेन मोटिवेशन है अपनी छोटी बहन की शादी कराना। मतलब संजय से मेरी शादी फिर से पोस्टपोन हो गई। सरू तुझसे बड़ी है, पहले उसकी शादी होगी। वो भी उस लड़के से who threatens to leave her every time they talk। कि संजय ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया, तुम्हारी शादी होने तक वेट नहीं करेगा। वो कहता है अगले महीने में शादी कर लो या उसे भूल जाओ। मैं उसके साथ भाग जाती हूँ और कोई रास्ता नहीं। संजय डोंट हैंग अप ऑन मी प्लीज प्लीज। इससे अच्छा लड़का और कोई नहीं। And Saraswati is ready to sacrifice everything for her sister because Kaveri loves her too much. तुम अपने लिए कोई लड़का क्यों नहीं ढूंढती? Smart enough, find a man. तुम पास आए। उसे विभूति अम्मा नहीं चाहिए। Go away. तुम फॉसिल हो, फॉसिल। इतना प्यार कब हुआ मुझसे? Kaveri is unemployed and Saraswati works at a library. इसलिए इस family के दूल्हे की demands बहुत ही कम है। IIT, IIM और वैदिक ही ब्राह्मण्स हैं। IIT, IIM ब्राह्मण शास्त्री लड़का। सारे के सारे IIT, IIM। IIT, IIM है ब्राह्मण शास्त्री, कोई IIT, IIM फसा। सर लड़का IIT, IIM है बिल्कुल जैसा आपको चाहिए। जब से लड़का US में था, शादी के बाद अभिमन्यु टर्की ब्यूरो में जॉब ले रहा है। डेनमार्क बेस्ड है। एक लड़की सिर्फ इतना ही चाहती है। इंट्रोड्यूसिंग इंदर, जिसके कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ 10 मिनट से ज्यादा शर्ट पहनना अलाउड ही नहीं है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मुझे कोई शर्म नहीं बताने में कि मुझे अच्छा लगा। वो 8 साल से जेल में था। वो तो क्रिमिनल है, क्रिमिनल। और बाहर आने के 1 साल बाद ही इंडिया का टॉप लॉयर बन चुका है। बाबा आप केस जीत गए, मुबारक हो। बट फिर भी बात ऐसे करता है जैसे अभी अभी विमल पान मसाला खा के आया हो। मैं अगर उसे मारता ना तो सारी बात वहीं खत्म हो जाती। मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं फ्लू है, तुमने बताया नहीं। सब्जी स्टफ सब साथ में लेने चलेंगे। क्योंकि तुम एम्बैरेस्ड हो। अरे सरू ग्रो अप यार। सरू तुम मेरी बेस्ट चॉइस हो, लेकिन मेरे जैसा क्रिमिनल तुम्हारी बेस्ट चॉइस नहीं। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। He falls in love with Saraswati because she is such a positive person. बताने वाला था, हुक बुक होने के बाद कोई तुमसे सीखे। एंड उसे प्रपोज करने के लिए इंदर राइट्स। रोती हुई लड़कियों से दूर भागता हूँ। बट सरस्वती हैज अ ग्रेट पर्सनालिटी बिकॉज वो किसी से भी अपनी बात मनवा सकती है भीख मांग कर। सर प्लीज मेरी बात सुनो। प्लीज घर चलो। प्लीज नन्ना घर चलो। प्लीज नन्ना प्लीज चुप कर बे कुत्ते। तरू इज सो डेस्परेट कि वो रात के 4 बजे इंदर के घर जाती है टू टॉक अबाउट अ ब्यूटी मेकओवर। डू आई लुक लाइक एन इडियट टू यू? सोसाइटी का गार्ड इज वेरी कंसर्न्ड एंड इसलिए वो सबको बताता है। 4 बजे से दीदी के साथ पड़े हुए हैं पूरी रात। दीदी वो अंदर बाहर हो रही थी रात भर। समझ रहे हो ना। सरस्वती के पापा ने उसे इंदर के ऊपर पड़े हुए देख लिया है एंड द फर्स्ट थिंग शी सेज इज नन्ना आप तो कल आने वाले थे। सरू के फादर इज सो ट्रू टू हिज वर्ड्स कि ये कहने के बाद मेरी बेटी आज मर गई। ही लिटरली हैज अ फ्यूनरल फॉर हर जिसमें सारे पड़ोसी और सिक्योरिटी गार्ड भी आए हैं। बट व्हेन शी इज अबाउट टू डाई देन ही सेज सोचा आएगी सॉरी बोलेगी मैं माफ कर दूंगा। अच्छा
साफ। अब बाप ने बेटी को घर से निकाल दिया है, इसलिए उसकी बहन बोलती है कि सब भाड़ में जाए, मुझे तो अपनी शादी करने से मतलब है। ये कैसे हो सकता है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करे। इंदर उसको घर दिलाता है, टेक्स हर शॉपिंग, टेक्स हर टू अ रेड लाइट एरिया फॉर अ मेकओवर, जहां शी स्टार्ट्स वेयरिंग इयररिंग्स इन हर हेयर। स्टाइल है बाबू भैया राजू का स्टाइल। ऑल बिकॉज शी लव्स अभिमन्यु। वहीं अभिमन्यु इग्नोर्स हर, उसका मजाक उड़वाता है, उसे भालू बनाता है, बट जैसे ही वो मेकअप एंड कपड़े चेंज करके आती है, he wants to date her. तो we can hang out. And also, मुझसे शादी करोगे? What a player! But अभिमन्यु शादी में नहीं आए, because इंदर is the main lead. Obviously. And सरू के लिए अब सबसे important है सुहागरात मनाना। बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का। They go to their honeymoon suite, जहां she cries and cries some more and cries while bathing and cries while having sex and then leaves him. सरू के ब्रेन में ट्यूमर है एंड शी इज हॉस्पिटलाइज, इसलिए इंदर की फर्स्ट प्रायोरिटी इज वो बीमार है पता चला इसलिए शादी तोड़ दी। रुको जरा। सरू को ड्रिप चढ़ी है एंड उसकी बहन की शादी है एंड नाउ हिज फर्स्ट प्रायोरिटी इज सबर करो। बट व्हेन सरू इज जस्ट अबाउट टू डाई, तब इंदर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मुझे उस पेड़ के नीचे 2 इंच चाहिए। इस मूवी को देख के बस एक ही सवाल आता है कि कोर्ट में प्रेस के कपड़े क्या कर रहे थे। सॉरी, व्हेन यू आस्क योर पेरेंट्स टू गो ऑन अ गोवा ट्रिप, हम इतने लिबरल नहीं। व्हेन मॉम सेज बेटा हम लव मैरिज के लिए भी रेडी हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी पे क्रश नहीं होता, लेकिन अगर सामने वाला रेसिप्रोकेट ही नहीं करेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ। व्हेन सोसाइटी की आंटी फाइंड्स यू स्मोकिंग अ सिगरेट, वो तो क्रिमिनल है क्रिमिनल जी। व्हेन योर फ्रेंड सेज अगली बार पैसे तू देगी, नेवर गोना सी यू अगेन, नेवर नेवर नेवर। व्हेन यू प्रिटेंड टू डू सम वर्क जिससे मम्मी और काम ना दे, लेफ्ट। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आफ्टर गेटिंग रेडी एवरी डे, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। माय ब्रेन टू मी व्हाइल थिंकिंग अबाउट व्हिच वाटर इज बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग एट 3 AM। विकिपीडिया पे चेक कर ले, गूगल तू सर्च कर ले। हे गाइस, थैंक यू फॉर शोइंग ऑल द लव इन द पास्ट कपल ऑफ वीक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल for more upcoming videos. Thank you. Stay safe. Bye-bye.